हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर कंटेम्पररी साउथ एशिया पॉलिटिकल साइंस बुक ग्रेड 12 से। लेट अस शिफ्ट अवर गेज फ्रॉम द लार्जर ग्लोबल डेवलपमेंट्स इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा टू द डेवलपमेंट्स इन अवर ओन रीजन। अब हम अपना जो मेन ध्यान है वो कोल्ड वॉर का जब दौर खत्म हो गया तो उस टाइम पे ग्लोबल स्तर पे जो बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हुए उनकी तरफ से हटा के अब हम अपने इलाके में जो साउथ एशिया है वहाँ जो डेवलपमेंट्स हुए उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। When India and Pakistan joined the club of nuclear powers, this region suddenly became the focus of global attention. जब इंडिया और पाकिस्तान भी उन कंट्रीज की रेस में शामिल हो गई जिनके पास न्यूक्लियर पावर्स थी तो ये जो एरिया था ये अचानक से पूरी ग्लोबल उसका दुनिया का एक तरह से ध्यान उसकी तरफ केंद्रित हो गया। The focus was of course on the various kinds of conflicts in this region. जो ध्यान था मेनली वो किस चीजों पे था, बहुत अलग अलग तरीके के मतभेद हो रहे थे इस इलाके में। There are pending borders and water sharing disputes between the states of the region. यहाँ पर जैसे border होता है उसको लेकर की कितनी limit होगी कितनी नहीं होगी उससे related problems थी, water sharing की problems थी जो अलग अलग states के बीच में बनी हुई थी इस area में। Besides there are conflicts arising out of insurgency, ethnic strife and resource sharing. इसके अलावा और जो प्रॉब्लम्स उठ रही थी, मतभेद हो रहे थे, वो बगावत की वजह से थे, जो पॉपुलेशन सब ग्रुप है उसको लेकर हो रहा था, उसको लेकर कलह हो रही थी, या रिसोर्स को लेकर कि किसके पास कितना शेयर जाएगा रिसोर्स का, उसको लेकर जो है बहुत ज़्यादा मतभेद हो रहे थे। दिस मेक्स द रीजन वेरी टर्बुलेंट। इससे क्या हुआ, एक तरह से पूरे इलाके में उत्पात सा मचा हुआ था। At the same time, many people in South Asia recognized the fact that this region can develop and prosper if the states of the region cooperate with each other. यहीं पर बहुत से लोग ऐसे थे South Asia में जिनको ये लगा कि अगर इस इलाके को develop करना है या संपन्न बनाना है तो तभी possible हो सकता है जब states जो हैं इस इलाके के वो एक दूसरे के साथ सहयोग करें। In this chapter, we try to understand the nature of the conflict and cooperation among different countries of the region. तो हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो मतभेद था या जो सहयोग था अलग अलग कंट्रीज का इस इलाके की उनका कैसा नेचर था। सिंस मच ऑफ दिस इज रूटेड इन और कंडीशन बाय द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ दीज कंट्रीज, वी फर्स्ट इंट्रोड्यूस द रीजन एंड द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ द सम ऑफ द बिग कंट्रीज इन द रीजन। अब क्योंकि काफी कुछ जो है वो इनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी कंट्रीज की उसकी उनकी जड़ों से रिलेटेड है तो इसी वजह से सबसे पहले हम जो है रीजन इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज की इस इलाके की या इन एरियाज की उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं अपने टॉपिक व्हाट इज साउथ एशिया से, ये हम करेंगे अपने अगले वीडियो से।